अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जी 93 मॉडल CD70 इसकी फ्री सर्विस करने लगे हैं। ये है जी इसका पुराना एयर फिल्टर, ये हमने इसको खोला हुआ है सर्विस के लिए। ये है जी इसका एयर फिल्टर का लोटा, इसको भी हम साफ़ कर रहे हैं। ये हम हवा के प्रेशर से इसके सारे फ्रेम में से जो मट्टी है ना उसको निकाल रहे हैं ताकि इसको मुकम्मल साफ कर दें। ये इसका पिछला व्हील खोला हुआ है हमने और ये चेक करें इसका पिछला व्हील, इसको हम खोल के साफ कर रहे हैं, बाकी इसकी सर्विस कर रहे हैं। ये है जी इसके पिछले व्हील के लेदर प्लेट और ये है जी इसके लेदर, इनको हम अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करेंगे। ये इसका प्लग खोल रहे हैं और चेक करते हैं जी प्लग किस तरह का है। प्लग जी इसका काला है, हम इसको साफ़ करके फिर लगाएंगे। ये जी हम इसमें होंडा का जेन्युइन फ़िल्टर डाल रहे हैं, ओल्ड मॉडल का। इसका पहले वाला फ़िल्टर बंद है इसलिए हम इसका दूसरा फ़िल्टर होंडा का डाल रहे हैं। ये हमने इसके लेदर को अच्छी तरह रेगमार से साफ़ किया, रगड़ लिया है। अब इसको हवा के प्रेशर से साफ़ कर रहे हैं ताकि मिट्टी वगैरह सब कुछ बाहर निकला है, साफ़ हो जाए। ये हम इसके कैबिन को चेक कर रहे हैं क्योंकि वो ढीले थे, उसको हम टाइट कर देंगे। ये आज इसका प्लग, इसके प्लग को हम साफ़ करके फिर लगाएंगे। हमने इसके एयर फिल्टर के लोटे को अच्छी तरह साफ़ कर दिया है और इसमें जनरल फिल्टर डाल के हम इसको फिट कर रहे हैं। अब इसको फ्रेम में फिट करेंगे। ये है जी इसके पिछले व्हील की ड्रम की रबड़ें, इसको हम फिट कर रहे हैं और चेक करें अगर टूटी हुई है तो उसका तब्दील कर देंगे। ये इसके व्हील को हमने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है और इसके अंदर हब को भी हमने रेग मार से साफ़ कर दिया है। अब इसको फिट कर रहे हैं। ये इसके फ्रेम को हम पेट्रोल से साफ़ कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये ओल्ड मॉडल CD है, इसका फ्रेम मतलब जंग लगा हुआ है, गला हुआ है। ये इसकी चैन वाली जगह को हम अच्छी तरह पेट्रोल से धो देंगे और फिर आयल और ग्रीस लगा देंगे ताकि चैन आवाज़ ना करे। चैन अगर ढीली है तो उसको टाइट कर देंगे। के ओल्ड मॉडल के कार्बोरेटर को हम पेट्रोल से अच्छी तरह बाहर से धो रहे हैं ताकि ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है, कचरा लगा उसको साफ़ कर दें। Thank you.
कार्बोरेटर को बाहर से धो दिया अच्छी तरह। अब इसके कार्बोरेटर को अच्छे से अंदर से धोएंगे, और अंदर जो कचरा है उसके वो जो बाल होते हैं उसको अच्छी तरह हवा साफ़ करेंगे ताकि किसी तरह कोई मिसिंग ना हो, और कार्बोरेटर को अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। गाड़ी का जो मालिक है वो कहता है जी इसका ऑयल चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑयल चेंज करवाया हुआ है उन्होंने। बाकी हम इसकी सर्विस कर रहे हैं, इसका हमने फ़िल्टर नया डाल दिया है। इसका व्हील भी साफ़ हो गया है, ये इसका प्लग है, इसको प्लग कर हम साफ़ करके लगाएंगे। इसके टैबलेट हमने सेट कर दिए हैं। यह जी इसका क्लच वाइज साइड, इसको हम खोलेंगे और अच्छी तरह प्रो से वॉश करके लगाएंगे। अब जो कार्बोरेटर के अंदर जो जेट होते हैं, स्लो जेट और स्पीड जेट, उनको हम अच्छी तरह साफ कर रहे हैं हवा से। ये कचरा देखें आप, चैन के ऊपर जो मट्टी लगी हुई है उस सारी मट्टी को हम उतार रहे हैं ये तार वाले बूट से, ताकि अच्छी तरह इसकी चैन साफ हो जाए। चैन को ऑयल लगा रहे हैं ताकि चैन किसी तरह की आवाज़ ना दे और चैन सही बैठे गाड़ी के ऊपर।
हमने इसके प्लग को अच्छी तरह साफ़ कर दिया है और साफ़ करके फिर लगा रहे हैं। ये जी हमने इसके पानी का लेवल पूरा कर दिया बैटरी का और हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। बाकी हमने मोटरसाइकिल भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया है, इसका हर चीज़ ओके है। बाकी नट बोल्ट चेक करने वाले रह गए हैं हमारे। ये हम इसकी तारों को टेप लगा रहे हैं ताकि किसी तरह करंट का कोई ख़तरा ना हो, ठीक है जी। बाकी हमने इसको बैटरी को हमने पानी का लेवल पूरा कर दिया, साफ़ कर दिया हमने। अच्छा मैं गिरा गया हूँ, ये है जी बाइक का साइड कवर, इसको हम साफ कर रहे हैं कपड़े से। बाइक जी हमारी रेडी है बिल्कुल, आयल चेंज ही करना और ये हमारी सर्विस डन हो गई और ये लिफ्ट डाउन हो गई। ये आप आवाज़ चेक कर लें, इंजन का साउंड चेक कर लें, ठीक है, कोई मतलब साउंड में कोई मसला नहीं है, ठीक साउंड है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें नई वीडियो के।